नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। हम बात करेंगे दुलीप ट्रॉफी की और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज की। क्या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो है उससे पहले टीम इंडिया के लिए पेच फंस गया है? जी हाँ, आप लाइट दुलीप ट्रॉफी खेलने के लिए प्लेयर्स को थे, सीनियर प्लेयर्स को, कि प्रेपरेशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें खराब होती हुई नजर आ रही, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आई है किसी की। अगर एक अक्षर पटेल को आप छोड़ दो और मुशीर खान, हालांकि मुशीर खान तो कंटेंशन में ही नहीं थे उस टीम के, तो अगर इन दो खिलाड़ियों को छोड़ दो तो बाकी के अगर हम स्कोर कार्ड आपको बताते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन 13 रन, हालांकि वो भी कंटेंशन में नहीं थे लेकिन वो टीम में आ चुके हैं। आपको एक बार बहुत बार मतलब कई बार आपको नजर आएगा कि 15 मेंबर स्क्वाड में वो होते हुए आपको नजर आते हैं। यशस्वी जायसवाल 30 रन, सरफराज खान 9 रन, ऋषभ पंत 7 रन, वॉशिंगटन सुंदर 0, और इसके बाद खैर बॉलर ही थे। अब अगर हम जो टीम सी और टीम डी का मैच चल रहा है वहां पर मुकाबलों को देखें तो वहां पर भी कुछ यही कहानी रही है। श्रेयस अय्यर पहली पारी में सिर्फ 9 रन, देवदत्त पड्डीकल 0, श्रीकर भरत 13 जो टीम इंडिया के अगेन खेल चुके हैं, इसके बाद अक्षर 86, जैसे मैंने कहा कि उनकी पारी जरूर आई है। एंड इसके बाद जब आप टीम सी की ओर बढ़ोगे, ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 5 रन, और इसके बाद साई सुदर्शन 7 रन, रजत पाटीदार सिर्फ 13 रन, और यही कहानी रही है कि सभी के किसी के रन नहीं आए। अब सेकेंड इनिंग में जब बढ़ते तो वहां पर श्रेयस अय्यर अभी फिलहाल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 4 चौके 1 छक्का लगाया है, तो अभी इनसे उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर यहां से अपनी पारी को बेहतर ढंग से ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों के लिहाज से चीजें उस तरह से नहीं रही है। हर्षित गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो हर्षित राणा जबरदस्त रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखो तो जो प्लेयर कंटेंशन में है उस तरह से गेंदबाजों में भी नजर नहीं आए। कुलदीप यादव के विकेट नहीं मिले हैं, विकेट नहीं मिला है आप साफ तौर पर देखोगे तो अर्षदीप को उस तरह से, हालांकि एक आध विकेट सबको मिले हैं, कुलदीप को भी आई थिंक एक या दो विकेट मिले हैं, लेकिन किस तरह से मिले वो हम सभी को पता है। मुशीर खान एंड में जब मारने का प्रयास कर रहे तब उनको वो विकेट मिलता है, तो ये सारी की सारी कहानी रही है। बाकी आप बताइए क्या ये परफॉर्मेंस पेच फंसा तो नहीं देंगी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो होने वाली है, उस स्क्वाड का जो चयन होना है उससे पहले क्या टीम इंडिया के लिए खतरा तो नहीं साबित हो जाएगी बांग्लादेश, बिकॉज पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, हम सभी को पता है। हालांकि पाकिस्तान को आप इंडिया से कंपेयर नहीं करोगे आज के टाइम पर टेस्ट मैचों में, लेकिन चीज़ें किस तरह से क्रिकेट में बदलती हैं हम सभी को पता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या ये जस्ट मैच था, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मत लो, या फिर चीज़ें खराब हो सकती हैं यहाँ से, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।